बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर है और दिन है जुमे का। बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान में सूरतेहाल क्या है, मीडिया पर तासुर क्या दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तासुर क्या है, और इन सारी चीज़ों को देखें तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। और दूसरी तरफ मुश्किलात हैं, ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन वक्त है। आप देख लें, इत्तेहादियों की सूरत हाल देख लें, MQM के बयान देख लें, काफ लीग ने इजलास तलब कर लिया, मौलाना फजल रहमान के पास जो है वो बिलावल पहुंच गए, उसके बाद PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ, तो बड़े चैलेंजेस क्या है उन पर बात कर रहे हैं, करेंगे, हो क्या रहा है, शहर इक्तदार में क्या चेम हो गई हैं, तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और ये भी आप देखें कि पिछले 3 सवा 3 सालों में जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, कई ऐसे मौके आए जब लगा कि बस जी का जाना ठहर गया है, अब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह पाएगी, ये तासुर बना दिया गया मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर एक मौका वो भी आया, आपको याद होगा जब जहांगीर तरीन ग्रुप अलग तो हुआ था, लेकिन जब जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोगों ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बहुत सख्त बातें की थी, और उस वक्त ये लगा था कि बस तरीन ग्रुप ने फैसला कर लिया इमरान खान हुकूमत से अलहदगी का, और अब जब ये 30-40 लोग अलग हो जाएंगे तो फिर ये हुकूमत कैसे कायम रहेगी। वो फिर आपने देखा अगले दिन जहांगीर तरीन जब अदालत में पेश हुए थे, मीडिया पे उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया और फिर चीज़ें किसी और तरफ चल पड़ी। तो इमरान खान मुख्तलिफ मौके पे बहुत मुश्किल में आते रहे और उन मुश्किलात से निकलते भी रहे, अचानक ही उन मुश्किलात से निकले, लेकिन एक फ़र्क रहा, उस वक्त जब पहले पिछले 3 सालों में इमरान खान जब जब मुश्किल में आए, उस वक्त हर चीज़ मुश्किल नज़र आती थी, लेकिन एक बात होती थी और वो ये होती थी कि सिविल मिलिट्री एक पेज पर हैं, हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं। लेकिन 6 अक्टूबर के बाद से इस तासुर को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली, यहाँ तक कि जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग उसमें आते हैं, जो उनके अपने MNAs हैं, वो भी एक तशवीश का शिकार हैं, उनको भी ये लगता है कि एक पेज नहीं रहा, फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं रहे, और उसके कंसिक्वेंसेस, उसके नतायज कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम पहले देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान, आपको पता है, आज़ादी मार्च लेकर आ गए थे, PDM बनी, एक और मौके पर इत्तेहादी नाराज़ हुए, जहांगीर तरीन ग्रुप बना, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हर चीज़ के बावजूद कहा यह जाता था कि एक पेज है, फौज साथ खड़ी है, और फिर यह भी एनालिसिस किया जाता था, यह भी तजिया किया जाता था कि पाकिस्तान में हुकूमतें ना तो महंगाई से गिरती हैं, ना ही जो है वो अपोजिशन के दबाव से गिरती हैं, ना ही आवाम के सड़कों पर आने से गिरती हैं, बल्कि हुकूमतें उस वक्त गिरती हैं जब फौज और सिविल हुकूमत एक पेज पर नहीं रहते और उनके दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो शदीद हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तासुर की बात कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि तासुर जो एक बन रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि जी हालात बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए ख़राब हो गए हैं। आगे चल के बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं, और क्या वाकई कोई ऐसी बात है कि हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखें कि पिछले 72 घंटों की अगर आप बात कर लें कि जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, फिर जॉइंट सेशन कैंसिल कर दिया जाता है, और अपोजिशन ये तासुर देती है कि ये जॉइंट सेशन इसलिए कैंसिल किया गया है कि इनके पास अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। काफ लीग कहती है हम वोट नहीं देंगे, MQM अपने तहफ़ुज़ात का इज़हार करती है, फिर काफ लीग और MQM के बारे में तासुर ये है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये उसी तरफ जाती हैं जिस तरफ फौज इनको कहती है, और ये कैसे हो सकता है कि ये अगर अलग, ये अगर ये धमकी दे रहे हैं वोट नहीं देंगे तो ये किसके कहने पर दे रहे होंगे। फिर इसी तरह से शकूक व शुबात उस वक्त भी पैदा हुए जब TLP का मामला हुआ, हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन उसके बाद फिर अचानक बिल्कुल पॉलिसी चेंज हुई, फिर कमेटी बनाई गई, और फिर उसके बाद एक जो उलमा का वफद था, जो कमेटी थी वो वज़ीर आज़म से मिल रही थी, लेकिन उसी दौरान एक और जो 2-3 लोग हैं वो जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं, वो तस्वीर जारी होती है, तो उससे भी एक तासुर ये दिया गया, एक तासुर ये मिला कि सिविल मिलिट्री एक पेज पर नहीं है, और फिर ये खबर भी आवाम में आई कि फ़ौज ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो ये सारे आपको वो आपको इवेंट्स बता रहा हूँ, वो खबरें बता रहा हूँ जिनकी वजह से ये सारी इस वक्त जो हाइप आपको नज़र आ रही है, इस सारी हाइप के पीछे वजूहात क्या हैं। फिर आपके सामने के इसी तरह से जो आज की डेवलपमेंट हुई कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल मिले, और फिर इसी तरह से आपने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास के मैंने आपको अहवाल बताया था कि 2 मौके पर हुकूमत को शिकस्त हुई। सैयद जावेद हसनैन जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो एक बिल पेश करने की तहरीक पेश करते हैं, और उसके ऊपर हुकूमत के वोट निकलते हैं 104, अपोजिशन के निकलते हैं 117। फिर इसी तरह से असमा कदीर तहरीक इंसाफ की, वो एक बिल पेश करती हैं, उस पर भी हुकूमत को शिकस्त होती है और अपोजिशन की तादाद ज़्यादा होती है। तो इस सारे से ये तासुर मिला के बंदे पूरे नहीं हो रहे। इस दौरान शाहजहाँ नवासी साहब जो हैं वो कहते हैं शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि जी कॉल्स गई इस बार,
اپوزیشن کو نہیں گئی، حکومت کے لوگوں کو گئیں کہ آپ جا کے ووٹ دیں، اور انہوں نے اشارہ یہ دیا کہ ایجنسیز کے لوگوں نے کالز کی تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ آپ جا کر اور ووٹ ڈالیں، لیکن اس بار شاید گگن عباسی صاحب کے مطابق انہوں نے کہا ہماری اطلاع یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بار اداروں کی کالز بھی نہیں سنی، یہ دعویٰ ہے شاید گگن عباسی صاحب کا۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ احتساب کا معاملہ آپ دیکھ لیں جو سب سے بڑا نعرہ تھا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں چیئرمین نیب کی مدت ختم ہو چکی ہے، ایک آرڈیننس آیا، ایک ماہ کے اندر دوسرا آرڈیننس آیا، لیگل ٹیم کے آپس میں اختلافات ہیں، کبھی کوئی بات کی جاتی ہے کبھی کوئی بات کی جاتی ہے، نیا چیئرمین نیب کون ہوگا، مشاورت اپوزیشن سے ہوگی نہیں ہوگی، اگر اپوزیشن نہیں مانتی پھر کیا طریقہ کار ہوگا، اس میں آرڈیننس میں وہ باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن آرڈیننس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، وہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے پھر ایک اور معاملہ آپ نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ جی 821 ارب میں سے 815 ارب کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف 6 ارب قومی خزانے میں نیب نے جمع کرایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ اگلا الیکشن وہ ای وی ایم بی وی ایم کے کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے، قانون سازی کا معاملہ جوائنٹ سیشن میں جانا تھا، جوائنٹ سیشن کینسل ہو گیا۔ اب جوائنٹ سیشن کینسل ہونے پہ ایک تو وہ تاثر ہے کہ جناب یہ بندے پورے نہیں ہوئے، اتحادی ناراض تھے، دوسرا ایک اور حکومت کا یہ ہے کہ ہم ایک اور سنسیئر ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ اپوزیشن سے بات چیت ہو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ کاف لیگ نے کیٹیگوریکل کہا کہ ہم نے اس پر ووٹ نہیں دیں گے، پھر کاف لیگ نے اپنا اجلاس بھی بلا لیا اور سارا آپ کاف لیگ نے دوبارہ جو ہے وہ بلیک میلنگ شروع کر دی جو ہر موقع پہ کاف لیگ کرتی ہے۔ ورنہ کاف لیگ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں، اگر تحریک انصاف اپنے امیدوار وڈرا نہ کرتی اور تحریک انصاف کے ووٹ نہ پڑتے تو کاف لیگ شاید ایک سیٹ بھی پاکستان سے نہیں نکال سکتی تھی، ایک شاید نکال لیتے طارق بشیر چیمہ صاحب والی، اس کے علاوہ شاید کوئی سیٹ نہ نکال سکتی کاف لیگ۔ اچھا اب آئیے جناب کہ الیکشن ریفارمز، یہ قانون سازی کرانی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، ادھر الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کا الگ پنگا چل رہا ہے، فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو کنٹمپٹ کا نوٹس دیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے دو ممبران اس وقت موجود نہیں ہیں وہ بھی لگانے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے ای وی ایم بی وی ایم ہم نہیں لے کے آئیں گے، الیکشن کمیشن اس معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان صاحب ووٹ کا حق دلوانا چاہتے ہیں، سہولت دلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی قانون سازی کے ذریعے ہونے جو کہ جوائنٹ سیشن میں ہونی ہے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر الیکشن کمیشن اس کے بعد عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ قانون سازی جو ہوگی عدالتوں میں جائے گی، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے جو نظریاتی لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ تو آپ عوام میں جانا شروع ہو گئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اسد عمر صاحب کو دیکھیں وہ عوام میں جانا شروع ہو گئے ہیں، مراد سعید جانا شروع ہو گئے ہیں، فواد چودھری تو مسلسل جو ہے وہ عوام میں ظاہر ہے اپنے حلقے میں رہتے ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں جو کہ سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں، وہ مسلسل جا رہے ہیں اور جا کے اور وہ عوامی رابطہ مہم جس طرح سے ہوتی ہے وہ شروع کر دیا ہے، وہ مختلف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جلسے کر رہے ہیں، ورکر کنونشن کر رہے ہیں، وہ جا کے عوام کو فیس کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سے نام ہیں، زرداری گل کو میں دیکھ رہا تھا وہ ڈی جی خان میں جا کے اور حلقے کے عوام کے سامنے جا رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ جی ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، یہ یہ فیکٹرز ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ یہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، یہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، احساس پروگرام فلاں فلاں فلاں، وہ اس طرح سے جا کے فیس کر رہی ہیں۔ تو تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ تو عوام میں جا رہے ہیں، وہ عوام کو فیس کر رہے ہیں، جو اولڈ پولیٹیکل فیملیز ہیں جن کو ہم وننگ ہارسز کہتے ہیں، وہ بھی اپنے حلقوں میں ہیں لیکن وہ مختلف انداز سے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، وہ اپنی لائن جو ہے وہ سیدھی کر رہے ہیں کہ آگے اگر ہمیں کسی اور پارٹی سے بھی لڑنا پڑتا ہے تو ہمارے جو گروپس ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کم از کم ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیں اس دوران کیا ہوا کہ جو تحریک انصاف کی بہت حمایت کرتے رہے اینکرز، انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دی کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک تاثر یہ بنا دیا گیا کہ نون لیگ آ رہی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم کے طور پہ آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے خورشید شاہ وزیر اعظم کے طور پہ آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا اور شاہ محمود قریشی یا فلاں فلاں ان میں سے کسی کو لے آئیں گے، حالانکہ یہ بڑی فضول سی بات ہے کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ کوئی آ جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم بن جائے اور خورشید شاہ صاحب وزیر اعظم بن جائیں، اور ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، پھر بات ہو رہی ہے کہ جی عدم اعتماد لا کے اپنا وزیر اعظم بنوا کے اپوزیشن اور اسمبلیاں ڈیزالو کر لے، طرح طرح کی چیزیں اور کہانیاں جو ہے وہ گھڑی جا رہی ہیں۔ پھر تحریک لبیک کا معاملہ، اس پہ جو ہے وہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہوا، حکومت نے بڑی سخت پوزیشن لی اور اس کے بعد حکومت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا، اس پہ بھی حکومت کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، مہنگائی
बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मामला है, आपके सामने इंटरनेशनल भी एक उसके फैक्टर है, लेकिन हुकूमत की बैड गवर्नेंस और बद इंतज़ामी भी शामिल है। ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से इनके अहकाम पर अमल नहीं कर रही, वो एक इशू है। चीनी का रेट कहाँ गया, अब फिर आखिर शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ इनको मीटिंग करनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर मिले, अब उम्मीद है कि ये चीनी का रेट जो है वो नीचे आ जाएगा। IMF का मामला है, उसकी किस्त का मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, जिस वजह से डॉलर का रेट पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन जो है वो सतह तक चला गया हुआ है। FATF का मामला आपके सामने है, अमेरिका के साथ तअल्लुकात का मामला आपके सामने है, अफगानिस्तान का इशू इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का इशू बना हुआ है, तहरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मामला है, ब्यूरोक्रेसी तआवुन नहीं करी, मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ ही अभी इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया। तो ये अब तजियों तबसरों में मीडिया और सोशल मीडिया पर ये एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि हुकूमत जा रही है और नून लीग आ रही है, और यही वजह है कि बहुत सारे एंकर्स ने जो इमरान खान के हामी थे माफिया मांग के नून लीग के साथ ज़रा तल्लुकात बेहतर करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगता है कि नून लीग इकदार में आ रही है। नून लीग ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम जीत भी गए, 2/3 मेजॉरिटी भी हुई, हम तमाम जमातों को साथ शामिल करेंगे, क्योंकि अकेले अब इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाला जा सकता जिस बहरान का इमरान खान ने शिकार कर दिया है। और यही वजह है कि आप बिलावल जो है वो मौलाना के पास गए हैं, शायद वो इन्हें उस तब्दीली की बात कर रहे हैं और मौलाना मान नहीं रहे। अच्छा, काफिली के इजलास की अब कहानी सामने आएगी, वो बात करेंगे। कोर कमेटी का इजलास जो है उससे जो खबरें सामने आई वो यही हैं कि इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, 0.0001% भी इमरान खान दबाव में नज़र नहीं आते, इमरान खान प्रेशर में नज़र नहीं आते। इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि इश्यूज़ हैं, महंगाई है, हल हो जाएगा मसला, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही। दूसरी तरफ तलाल चौधरी ये कहते हैं कि नवंबर 2022 जिससे पहले इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ का तकरर करना है, अपॉइंटमेंट करनी है, उससे पहले तलाल चौधरी ये कहते हैं ऑन एयर मीडिया पर बैठ के, उससे पहले इमरान खान नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने इदारों को बहुत रुसवा कराया, इदारे को रुसवा करके रख दिया, और अब इमरान खान का जाना जो है वो ठहर गया है। अच्छा, तहरीक लबैक का जिस तरह से उनका रिवाइवल हुआ है, उनका वोट बैंक बढ़ेगा, अब ये वोट बैंक इमरान खान को दोबारा लाने के लिए इस्तेमाल होगा, इमरान खान को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी शहर इकतदार में बातें हो रही हैं। अच्छा, फिर ये भी बात होती है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास अभी ऑप्शन नहीं है, फिर ये कहा जाता है कि ये हो नहीं सकता उनके पास ऑप्शन हो, उनके पास तो तमाम ऑप्शन मौजूद होते हैं, कौमी हुकूमत टाइप हो सकती है। ऐसे इकबाल कहते हैं कि मामला जो हैं वो मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि इतनी ज़्यादा साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं, जो नज़रियाती नहीं, जो विनिंग हॉर्सेज हैं, वो भी बैठ के यही बातें करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस तरह होगा, अगली बार हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे। अच्छा, फिर ये भी बात होती है कि जी ये जो कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, फिर ये भी एनालिसिस होता है कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, कि नवाज शरीफ जिस तरह से उनको घर भेजा गया तो उन्होंने फिर बाद में एक वो किया, मुझे क्यों निकाला, लेकिन इमरान खान की जाहिर है सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। तो इस तरह की चीज़ें पिछले 3 साल में कई बार हमने सुनी और वो बाद में गलत साबित हुई, लेकिन क्यों गलत साबित हुई, क्योंकि एक बात मुस्तकिल तौर पर की जाती थी कि सिविल मिलिट्री एक पेज पर है, जिस पे अब ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा जो है उसको तकवीत दी गई है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि एक पेज पर नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, वो सपोर्ट नहीं रही, ये सारी बातें हो रही हैं। अब इमरान खान साहब क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ क्या समझती है, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 5 साल वो पूरे करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, और वो ये समझते हैं कि उनको जो है वो एहसास पुर गए, जो हेल्थ कार्ड है उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, जो खारजा पॉलिसी है इमरान खान साहब की एब्सोल्युटली नॉट की बात है, अमेरिका को ललकारने वाली बात है, इसके ऊपर उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। हर ज़िले में अभी जो तरक्याती बजट दिया गया है, जो शहरों के अंदर सड़कें बन रही हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, इनका उनको फ़ायदा होगा, किसान कार्ड है, कामयाब जवान प्रोग्राम है उस्मान डार का वो, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इस तरह के इकदाम। और वो ये समझते हैं कि महंगाई इंटरनेशनली है, और ये तहरीक इंसाफ हुकूमत ये समझती है, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि किसी भी मौके पे जाके महंगाई की सूरत हाल ये नहीं रहेगी जो इस वक्त है। वो ये समझते हैं कि जब लोगों को किसी भी मौके पे जाके वो रिलीफ देंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें फिर ऐड हो जाएंगी साथ के, जनाब देखें घरों के लिए कर्ज़े दिए इतने लोगों को, इतने जो हैं वो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दिए, एहसास प्रोग्राम के तहत दिए, अभी जो राशन कार्ड है, किसान कार्ड है, ये चलें ये सड़कें बनवा दी, यूनिवर्सिटी बनवा दी, ये बनवा दिया, ये वो समझते हैं ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी और वो आराम से
और फिर एक और फैक्टर वो ये समझते हैं कि जो नया वोटर ऐड हुआ है, जो नौजवान वोटर नया ऐड हुआ है, वो ये समझते हैं कि नौजवान अभी जो है वो इतनी वो नौबत नहीं आई कि नौजवान ये कहे, जो यूथ है वो ये कहे कि हम इमरान खान के मुकाबले में नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। वो ये तरीके साहब ये समझती है कि वो अभी भी यूथ जो है वो वोट इमरान खान के लिए ही करेगी 2023 में। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए मैंने आपको बता दी हैं, मुआशी मैदान पे, रीजनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल, और महंगाई, FATF, IMF, ये सारी चीज़ें, फिर ब्यूरोक्रेसी, इस्लाहात जहाँ जहाँ करना चाहते थे वो उस तरह से नहीं हो सकी, फिर माफियाज का सामना। लेकिन इमरान खान मुकम्मल पुरएतमाद हैं, वो बिल्कुल दबाव में नहीं है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, बिल्कुल घबराए हुए नहीं है, और उन्होंने अपनी टीम को भी कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आने वाला वक्त बताएगा ठीक होंगी या नहीं होंगी। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में बताया चेमगोइयाँ क्या हो रही हैं, मफरूज़े क्या हैं, ये वही मफरूज़े हैं, वही चेमगोइयाँ हैं, वही दावे हैं जो इससे पहले दर्जनों बार की गई। उस्मान गुजार जा रहा है, अदम एतमाद आ रहा है, बलोचिस्तान से शुरू होगी, फलां शुरू होगी, पहले उस्मान गुजार जाएगा, फिर इमरान खान जाएगा, फिर ये होगा, कई बार हो चुकी हैं। इसलिए अब तो वही मिसाल है कि वो जो था कि शेर आया, शेर आया, और फिर कोई एतबार ही नहीं करता था। तो बहरहाल आने वाले बहरहाल 4 से 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई जो है उसकी वजह से ज़ाहिर है आवाम के अंदर बड़ा गम गुस्सा है। आप जिसका ज़ाहिर है घर नहीं चल रहा, जिसको घर का किराया नहीं दे पा रहा, जो बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहा, फिर गैस का बहरान है, बिजली महंगी हो गई, कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, उस वजह से उस पर आप जो मर्ज़ी लोगों को कह लें, इंटरनेशनल फैक्टर है, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, लोग ये बात ज़ाहिर है जो फिर फेस कर रहा होता है मुश्किलात को, वो इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। हाँ, बहुत सारे लोग हैं बड़ी तादाद में जो इमरान खान की इस बात वो कहते हैं कि जी ये इंटरनेशनली हो रहा है, हम फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल है। 4 से 6 माह इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि जो है वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अगले चंद दिन में बाहर ये तो पता चल जाएगा काफली का और MQM का, बाकी जो चीज़ें वो आगे जाके पता चलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये 2022 जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होने, जिनमें सबसे बड़ा फैसला नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का होना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लकरीम हम सबका हमीर नासरू, अल्लाह हाफिज़।